अंचल खाली करदे नेता और समर्थक तेरे शेष दिन में प्रचार को जोर करने को चेष्टा करलर नेता गोटेपटे बीजेपी आज ब्रजराज नगर अंचल ने एक दलय कार्यक्रम तथा तो सांबादिक सम्मेलन अनुषित अच्छी कार्यक्रम में राधाराणी पंडा को समर्थन पर वरिष्ठ नेता मैंने उपस्थित रहा अंपक्ष चेला कुमार और शरद पट्टनायक नेतृत्व में एवं कंग्रेस चुनावी मैदान पार होगा लक्ष्य रखी एथर किशोर पटेल को थरे सुजोग दिया जाऊ बोली समस्ते भोट मागुछंती। अन्य पक्षे बीजेडी तरफ अलका महांती भोट देवाई राज्यर आठ जन मंत्री 48 विधायक समेत अभिनेता माने प्रचार करलका महांती जीतिले किशोर महांती स्वप्न पूरण हेब एवं विकासधारा त्वरान्वित होजेडी ब्रजराज नगर विभिन्न स्थान में नव दास झील दीपाली दास महिला समावेश कर महिला कार्ड खेल अलका महांती भोट मागुचंती। तबे आज प्रचार शेष दिन तेणु निजर शक्ति प्रदर्शन करिबे तीन प्रमुख दल। आज ब्रजराज नगर उपनिर्वाचन प्रचार शेष दिन सीधा सड़क जीवा आम प्रतिनिधि अच्छा आम सहित मुकेश मुकेश आज ब्रजराज नगर उपनिर्वाचन प्रचार शेष दिन तीन प्रमुख दल कि प्रचार को जोरदार कर निश्चित भाव देखु आउ प्रचार को रहा मात्र आठ घंटा एवं आठ घंटा पर जो सब बड़ बड़ नेता मैंने अच्छा विभिन्न दल रहा निज निज स्थान को चली जाए ब्रजराज नगर उपनिर्वाचन मंडल जो अंचल यह छाड़े जार निर्वाचन कमिशनर जो निर्देश रही तेज निश्चित भाव में आज जेहेतु आउ मात्र हाथ में आठ घंटा से जोर सोर प्रचार कर शेष पर्यायर प्रचार और किपर भाव में भोटर को आहरी आहरी मना जा पार प्रभावित होने समस्त गोटे प्रकार प्रयास चली तेज जी कहे जो बड़ बड़ नेता जो ना था 40 जनिया तारका जो घोषणा करता कांग्रेस कथा कहतु बीजेपी कथा कहतु बीजेडी ता देखा मिल ना बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक ना प्रमुख था शीर्ष किंतु से मध्य प्रचार मैदान को ओह्ल ना आठ घंटा एवं आसवर कौन संभावना ना बे आशा बेस क्षीर्ण होती अन्य पक्ष कांग्रेस स्थिति सामान जो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कथा कहतु कन्हैया कुमार कथा कहतु से जो गोटे प्रकार स्टार प्रचारक भाव आसवर एवं आशा बेस क्षीर्ण कारण एवं आउ समय बहुत कम आठ घंटा भितर आसिक प्रचार करें ना बीजेपी समान अवस्था केवल धर्मेन्द्र प्रधान को छाड़ी अन्य कौन केन्द्र मंत्री प्रचार मैदान को ओह्ल ना कि निश्चित भाव में कहते प्रचार को दृष्टि रखिकी समस्त जो दल अच्छा समस्त किपर भाव भोटर को बेस प्रभावित करेंगे से नहीं प्रयास करेस स्थिति को देखिए तेज कंग्रेस जो किशोर पटेल अच्छा समर्थन करने भोट मांगा कांग्रेस जो दिग्गज नेता मैंने अच्छा नरसिंह मिश्र कथा कह सुर राउतराय तारा बाहिनीपति शरद पट्टनायक रंजन पट्टनायक समस्ते मैदान को ओह्लते जी कहे तारा बाहिनीपति चेला कुमार ए दु जन प्रमुख अच्छा अन्य जो व्यक्ति मैंने अच्छा से ब्रजानगर अंचल छाड़ी देखा सूचना मिली अन्य पक्ष बीजेडी पाखापाखि आठ टी मंत्री और 48 टी विधायक तांगे अभिनेता मैंने आसी बीजेडी को समर्थन करने अलका महांती भोट मांगी बीजेपी सामान परिस्थिति धर्मेन्द्र प्रधान विगत दिन में आसिक रोड शो करते राजनैतिक उष्मता धीरे धीरे बढ़ी जाता तार परवर्त समय जी कहे जो अच्छा भोजपुरी कलाकार से मैंने आसिक राधानी पंडा भोट मांगी अन्य पक्ष जी कहे बीजेपी जो विधायक मैंने अच्छा से राधानी पंडा सागरे भोट मांगुंट तेज ब्रजराज नगर बेलपहाड़ म्युनिसिपालिटी और झारसुड़ार 5 टी ब्लक आ लखनपुर 33 टी ब्लक एत सब अंचल को लेकिन ब्रजराज नगर उपनिर्वाचन गठित होती निश्चित भाव में समस्त फोकस रही लखनपुर ब्लक अंचल कारण ये पाखापाखि 33 गोटी पंचायत रही है यार जो आप जनसंख्या भोटर संख्या को जी आकलन करेंगे तेज यार भोटर संख्या पाखापाखि 51% जहाँकि अधा टू अधिक से निश्चित भाव में यह समस्त फोकस करगत दिन में जो सब समस्या समाधान हो पारे ना ताकूर भाव में समाधान से नहीं कि प्रयास कर समस्त प्रमुख दल नेता मैंने बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस को टार्गेट बीजेपी केन्द्र सरकार जेहेतु एत अवहेला आंतरिकतार अभाव से बोधे लखनपुर अंचल विकास हो पारा ना और राधानी पंडा बीजेपी 2014 रु 2019 जाए एटारे विधायक भाव में थे से कौन विकास कर अन्य पक्ष विधायक जो थे किशोर महांती स्त्री समान कथा कहते जे किशोर महांती जो स्वप्न देखी थे ब्रजराज नगर को गठन करने जीति सारापर ताकू किपर भाव संपूर्ण करेंगे शत प्रतिशत चेष्टा करेंगे
कांग्रेस उभय बीजेडी एवं बीजेपी को टार्गेट करुछि एवं कहुछि 22 वर्षर एही शासन काल रे झारसुडा को कोन मिलिछि निजुक्ति क्षेत्र में कहा जाऊ शिक्षा क्षेत्र में कहा जाऊ स्वास्थ्य क्षेत्र में कहा जाऊ बा चाष एवं अन्यान्य श्रमिक मान को कौन लाभ मिली तेणु किशोर महांती किशोर पटेल ही जने विकल्प जहाँ को जब से जीतिबे तेज निश्चित भाव में आगामी समय यार समाधान तेज मुकेश आज सन्धार प्रचार सर हाथ में मात्र 12 घंटा रही झाड़बुआ प्रचार में लग पड़ते नेता और विधायक मैंने हृदय जुड़ा को स्वतंत्र रणनीति प्रस्तुत कर प्रमुख राजनैतिक दल खास बीजेडी तरफ किभली रणनीति देखु देखु आ 12 घंटा नुह आ मात्र 8 घंटा अच्छे हाथ में जदि कहे तो संध्या 6टा पर सब प्रचार बंद हो जो निर्वाचन कमिशन निर्देश रही तेज निश्चित भाव में बीजेडी रो गोटे प्रकार मास्टर स्ट्रोक खेल किपर भाव में बीजेपी आउ कांग्रेस रो वोट को किपर भाव में पाइपर से नहीं बीजेडी गोटे प्रकार प्रयास कर राज्य सरकार विभिन्न योजना कथा नहीं कि घर को घर पहुंची डोर टू डोर कैंपेन कर सब बड़ कथा हो 8टा मंत्री 48 विधायक को छाड़ देले अनेक गुड़े एमती अच्छा जपरी नव दास झील कथा कह दीपाली दास से कहे तो पाख 6 दिन में पाखापाखि 8-10 टी महिला समावेश करी महिला मानक नहीं कार्यक्रम करजार हजार महिला समागम हो दीपाली दास स्पष्ट भाव में कहते जेहेतु नवीन पट्टनायक महिला मानक बे गुरुत्व दौरान तेणु निश्चित भाव में किसी भाव में प्रभाव पड़ पारे तबे मुकेश राली रोड शो प्रचार सभा मध्य करा वोटर को मन किणी समस्त प्रकार रणकौशल अपना प्रार्थी और राजनेता तबे वोटर को आकृष्ट करने बीजेपी रणनीति आप देखुं देखो बीजेपी सामान धरण करजेपी कहुच्छे जे जो सब असंपूर्ण प्रकल्प रही जाता राधानी पंडा से सब प्रकल्प को समाधान करेंगे कह ते 2014-2019 मसीहा जाए केवल कागज कलम रे सीमित कार्यानुष्ठान कार्यर प्रकल्प तेणु जदि एथर जीतने तेज केन्द्र मंत्री सागर आलोचना करके ओडिशा रे जदि राज्य सरकार न चाहिए तथापि से बड़ बड़ कार्यक्रम करेंगे प्रकल्प को ये संपूर्ण करेंगे राधानी पंडा कहते 22 वर्ष काल में जो बीजेडी सरकार गोटे प्रकार झारसुगुड़ा को अवहेला आंतरिकतार अभाव कहतु अन्य किसी कारण ताकु नहीं कि जेपर भाव में झारसुगुड़ा जिते विकास होगा कथा विकास हो पारिना बीजेपी टार्गेट करदी एथर जितब तेज निश्चित भाव में आगामी समय बीजेपी रो फोकस अच्छी डेवलपमेंट विकास फोकस से निश्चित भाव में झारसुगुड़ा ब्रयान ओर पड़ो ब्रयान ओर निश्चित भाव में सामग्रिक विकास हो पार अन्य पक्ष कांग्रेस समान अवस्था कहुची जे शरद पटनायक नेतृत्व में जेहेतु से नुआ दायित्व मिली तेज निश्चित भाव से कहते जे एथर जदि किशोर पटेल जीतिबे तेज निश्चित भाव में बीजेपी और बीजेडी को गोटे प्रकार टार्गेट करदी कहे तो बीजेपी और बीजेडी मिसिकी जो देश और राज्यर जो अवस्था खराब कर दे दरदाम बुद्धि कथा कह जाऊ निजुक्ति कथा कह जाऊ से दिगरे गोटे प्रकार देखा चेला कुमार एवं शरद पट्टनायक नेतृत्व कांग्रेस चुनावी मैदान पार करने को लक्ष्य रखी तेज कौन मुद्दा रही एजेंडा कौन रही कांग्रेस पाखे देखु लखनपुर अंचल पाखापाखि जदि आप कहे तो लक्ष रु अधिक भोटर्स अच्छा ये जो जदि भोटर आप संख्या कहे तेज यह आप पाखापाखि 51 प्रतिशत हे जहाँकि टोटल प्रयोजन उपनिर्वाचन अधार अधिक अच्छी तेणु जदि आप कहे तो हीराकुद विस्थापित कथा कह जहाँ एजेंटर न्याय मिल पारिना जमी मिलवा कथा कहतु प्राप्य कथा कहुए मिल पारिना से सब समस्या समाधान हे अन्य पक्ष महानदी प्रसंग गोटे बहुत बड़ प्रसंग महानदी जो ओडिशा रो जीवन रेखा महानदी जलस्रोत को जपरी भाव में छत्तीसगढ़ रोकी दी सेठे बेरेज निर्माण करी आगामी समय कांग्रेस जितब तेज कांग्रेस सांगे आलोचना कर समाधान कर बाट कढ़ा जेहेतु यह गोटे प्रकार जुडिशियल अच्छी तो कांग्रेस रणनीति आम देखु तेज अंपटे देखा बीजेडी तरफ अलका महांती को वोट देवाई राज्य 8 जन मंत्री 48 जन विधायक समेत अभिनेता मैंने प्रचार करजेडी सुप्रिमो नवीन पट्टनायक प्रचार मंग धरवे जहां सूचना था से नहीं किसी सूचना केवे प्रचार करेंगे आउ मात्र 8 घंटा हाथ
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବିଜେଡିର ସମସ୍ତ ନେତା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ପଚାରୁଛୁ, ବିଜେଡିର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ କେବେ ଓହ୍ଲାଇବେ? କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏବଂ ସେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଆଶା ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ସେ ବ୍ରଜାଜନଗରର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେ ସୂଚନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଇଠିକି ଆସିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି, କାରଣ ହାତରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ମାତ୍ର 8 ଘଣ୍ଟା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯଦି କହିବେ ତେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିବାର ଏବେ ଆଶା ବେଶ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ କୁହାଯାଉ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ କୁହାଯାଉ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆସିବାର ଏବେ ଆଶା ବେଶ କ୍ଷୀଣ ଏବଂ ସେ ହେଇପାରେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଏବଂ ବିଜେଡିକୁ କିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭୋଟ ମିଳିବ ବ୍ରୟାନଗରକୁ ସେ ବ୍ରୟାନଗରରେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରୟାନଗରକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଓହ୍ଲାଇବାର ଆଶା ଏବେ ବେଶ କ୍ଷୀଣ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ନେତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁକେଶ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ